देखो गज़वे बद्र के मौके पर नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 अफराद थे जिनके पास 8 तलवारें थीं और 2 घोड़े थे। 8 तलवारें 2 घोड़े बाद के पास फिर और कुछ नहीं तो उन्होंने लाठी उठाई हुई थी, किसी ने पत्थर उठाया हुआ था और मुकाबला था 1000 मुसल्ला सूरमाओं का। तो रात के वक्त में नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए एक छप्पर बनाया गया था मैदान बद्र के अंदर, उस छप्पर में आप ने रात के वक्त में और काम बाद में किए कि फौज की किस तरह सफबंदी होगी, कौन कहाँ खड़ा होगा और किसका क्या काम होगा, ये तकसीम कार आपने बाद में फरमाई। लेकिन उस छप्पर में सजदे में गिरकर अल्लाह जल्ला जलालू से रुजू किया और फरमाया कि या अल्लाह ये निहत्ते लोग आ गए, इनके ऊपर इतने बड़े लश्कर ने हमला कर दिया है, सिर्फ आप ही की कुदरत है जो इसको बचा सकती है और जो इनको पता दिला सकती है, और आज अगर ये छोटी सी जमात हलाक हो गई इंतहले का हालिल इसाबा लम तुबद बाद, तो फिर आपकी इबादत करने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। ये गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करके आपने दुआ मांगी तो दुनिया ने देखा कि वो गज़वे बद्र का मैदान यौमुल फुरकान बन गया। हक व बातिल को उसने इस तरह जुदा कर दिया कि जो बड़े जबरदस्त सूरमा और बड़े मुसल्ला और बहादुर कहलाने वाले लोग थे वो चारों खाने चित हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके 70 बड़े सरदार मारे गए और 70 कैद हुए और बाकी लश्कर भाग गया। ये किस चीज ने किया? ये अल्लाह ताला से रुजू ने किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने ने किया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ रुजू करने वाले बंदों की मदद करता है। जो उसको बिल्कुल खातिर ही में ना लाए, उसकी तरफ रुजू ही ना करें, उससे मांगे ही नहीं और अपने अपने खुद साख्ता कामों में मशगूल रहें तो उनकी मदद कैसे हो, उनकी नुसरत कैसे हो।